हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्फीयर पर बेस्ड एक अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है हमारा 4 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, राइट। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। दो स्फीयर हमें गिवन है और उनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच का एंगल हमारा कितना होगा, राइट। तो हमारा फॉर्मूला होता है टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अप टू स्फीयर्स मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर ओवर टू आर वन आर टू, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पीयर्स का, राइट। आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर अपॉन टू आर वन आर टू। आर वन क्या है, वेयर आर वन इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, आर टू क्या हमारा रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर और डी क्या हमारा, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, राइट। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द गिवन स्फीयर्स। तो ये हमें फाइंड करना है, आर वन हमें फाइंड करना होगा, आर टू हमें फाइंड करना होगा, साथ साथ हम फाइंड कर लेंगे डी का वैल्यू। ये तीन वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, पुट कर देंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। करना क्या आपको, देखिए सॉल्यूशन हम इसका सीखेंगे, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग हमारा क्वेश्चन है। हम इन दोनों स्फीयर के लिए, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका सेंटर निकालेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, फॉर फर्स्ट स्फीयर के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ और सेम मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा सेकेंड के लिए, राइट। हम इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू यू वन एक्स टू वी वन वाई प्लस का टू डब्लू वन जेड प्लस का डी वन इज इक्वल टू जीरो। डी वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से हम इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे फर्स्ट स्फीयर की, राइट। फर्स्ट मीन्स इसकी, ये हमारा फर्स्ट स्फीयर है, ये हमारा सेकेंड स्फीयर है। तो हमें यू वन कितना मिल जाएगा भाई, टू यू वन हमें मिल जाएगा माइनस टू, टू यू वन इज इक्वल टू माइनस टू, टू वी वन इज इक्वल टू माइनस फोर और टू डब्लू वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स और डी वन हमको मिल जाएगा 10, राइट। तो सेंटर हमको मिल जाएगा यहाँ से, यू वन हमको मिल जाएगा माइनस वन, वी वन माइनस टू और डब्लू वन हमको मिल गया माइनस थ्री। तो सेंटर हमें मिल गया, सेंटर हो गया हमारा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू। तो ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा माइनस यू मीन्स वन टू थ्री, राइट। और आर हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से, आर वन हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर, यू वन स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर प्लस डब्लू वन स्क्वायर माइनस डी वन, माइनस डी वन हमारा आता है। तो यू वन कितना है हमारा, वन प्लस फोर प्लस नाइन माइनस टेन। तो ये हमारा हो गया फोर, मीन्स आर वन हमको मिल गया कितना, टू। आर वन कितना मिल गया, टू, राइट। अब सेम आपको करना है सेकेंड स्फीयर के लिए, लेकिन सेकेंड के लिए मैं डायरेक्ट कर दूंगा आपको, ये थोड़ा सा समझना होगा, सेकेंड को मैं डायरेक्ट कर दूंगा भाई। ये होगा टू यू टू, सेम इसको मैं लिखने नहीं वाला जनरली। टू यू टू हमें कितना मिल गया माइनस सिक्स, टू बी टू हमें मिल जाएगा माइनस टू और टू डब्लू टू हमें मिल जाएगा टू और डी हमको मिल जाएगा डी टू इज इक्व टू, ये हमारा टू, राइट। तो यू टू हमको मिल गया माइनस थ्री, बी टू माइनस वन, डब्लू टू हमको मिल गया वन और डी टू हमको मिल गया टू। तो सेंटर हमारा हो जाएगा, इसको हम कर देंगे यू वन बी वन और डब्लू वन और यहाँ पर हम कर देंगे क्या, यू टू माइनस का यू टू माइनस वी टू माइनस डब्लू टू, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा थ्री वन टू, थ्री वन माइनस वन, राइट। और रेडियस हम निकालेंगे यहाँ पर, आर टू इज इक्वल टू यू टू का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर डब्लू टू का स्क्वायर माइनस डी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा नाइन प्लस वन प्लस वन माइनस टू, मीन्स आर टू हमको मिल गया कितना,
आर टू हमको मिल गया थ्री, राइट, सेंटर में मालूम है ये रहा। अच्छा साथ साथ हम यहाँ पर निकालने के लिए क्या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम डी ओ निकाल लें। डी क्या है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। भाई सेंटर हमारा ये रहा, एक तो सेंटर हमारा ये रहा और सेकंड हमारा सेंटर ये रहा। देखिए पहला वाला तो देखो ये रहा, राइट, सेकंड हमारा ये रहा, तो हम फाइंड कर रहे हैं डी। डी को हम यहीं फाइंड कर लेते हैं, तो इन दोनों के बीच का दूरी आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, तो थ्री माइनस वन का स्क्वायर, थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू का स्क्वायर, वन माइनस टू का स्क्वायर प्लस हमें मिल जाएगा माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर का रूट, और ये हमको मिल जाएगा फोर प्लस वन प्लस सिक्सटीन मीन्स ट्वेंटी फाइव मीन्स फाइव हमको ये मिल गया, सॉरी रूट ट्वेंटी वन, रूट ट्वेंटी वन मिल जाएगा, रूट ट्वेंटी वन, रूट ट्वेंटी वन, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको दफ कर दे रहे हैं और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है, इसको आप नेक्स्ट पेज में लिखेंगे आप। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आर वन स्क्वायर, आर वन कितना हमारा टू मीन्स फोर, आर टू कितना थ्री मीन्स नाइन, और ये आप रूट रूट ट्वेंटी वन मीन्स ट्वेंटी वन अपॉन अपॉन टू आर वन आर टू, टू इंटू टू इंटू थ्री, राइट। अच्छा ये तो नेगेटिव आया हमारा, कोई बात नहीं, थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थर्टीन, थर्टीन माइनस ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेल्व, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ से, थर्टीन माइनस कर देंगे हम यहाँ से। अच्छा इसको ना हमेशा हम जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं ना वो निकालते हैं एक्यूट वाला, ये ध्यान रखना होगा, अगर ये नेगेटिव साइन आएगा तो उसको हम छोड़ देंगे, हम हमेशा एक्यूट वाला निकालते हैं, हम हमेशा कौन सा निकालते हैं एक्यूट वाला। तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर हमारा बचेगा थर्टीन माइनस कर देंगे तो थर्टीन वन एट माइनस एट अपॉन ट्वेल्व, तो फोर से डिवाइड कर देंगे, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस फोर अपॉन थ्री, सॉरी टू अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री। लेकिन हमने जब जब भी देखा है, हमने एक बात आपको बता दें कि हमेशा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वाला लेते हैं, मतलब देख लेते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा हमारा, ये हमारा एन सी सॉरी ये हमारा बुक है भाई, बुक है ये हमारा, ये है हमारा बुक, कृष्णा पब्लिकेशन है, आप बुक को एक बार देख सकते हैं, एक बार हम आंसर चेक कर लें, प्लस में आ रहा है इसका आंसर। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा, हमेशा हम एक्यूट एंगल हम यहाँ पर लेते हैं, एक्यूट एंगल हम हमेशा वैसे यहाँ पर एक्यूट एंगल लेते हैं, एक बार फिर भी देख ले रहे हैं आंसर हमारा क्या रहा, करेक्ट करेक्ट आंसर हमारा इसमें दे रखा है भाई, टू बाई थ्री दे रखा है, कॉस इनवर्स प्लस में आ रहा है ना, लेकिन वैसे हमारा जो आंसर आएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का टू बाई थ्री आ रहा है। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि एक्यूट एंगल हम यहाँ पर लेते हैं, हमेशा जो हम लेते हैं यहाँ पर वो एक्यूट लेते हैं, तो प्लस का आप कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो राइट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए हमने जैसा बताया कि हम हमेशा जो लेते हैं एंगल वो एक्यूट एंगल लेते हैं, कैसे लेंगे एक्यूट एंगल, तो हमें क्या करना होगा, इस माइनस साइन को छोड़ देंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स टू बाई थ्री, हमेशा नेगेटिव साइन को आपको छोड़ देना है। तो आप पहले कॉस थीटा का देखिए, अगर हम इस प्रकार निकालते तो कॉस थीटा का वैल्यू आता हमारा माइनस का टू बाई थ्री, राइट, माइनस का टू बाई थ्री आता, तो हम माइनस साइन को छोड़ देंगे क्योंकि जब भी हमारा नेगेटिव होगा इसका मीनिंग क्या है, थीटा हमारा ऑफ टी हो जाएगा, तो हम यहां पर नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन और टेकिंग, और यहां पर लिख सकते हैं टेकिंग टेकिंग एक्यूट एंगल, ये लिख करके आप लिख देंगे थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू टू बाई थ्री, इट इंप्लाइज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स टू बाई थ्री, राइट, इस प्रकार आप लिख सकते हैं टेकिंग एक्यूट एंगल। अगर आप ऑप्टिव लेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा यही है, वैसे तो हमारा करेक्ट आंसर यही निकलेगा, लेकिन हम हमेशा करते क्या है यहाँ पर कि हम हमेशा लेते हैं एक्यूट एंगल, क्या लेते हैं एक्यूट एंगल हम हमेशा लेंगे, तो ये आपको याद रखना, राइट। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके थैंक यू।